Good morning, children. Hope you are doing well and good. So today we have completed our chapter, Heat and Its Effects, and I have sent you the question and answers as well. And on Saturday, I'll be giving you some questions which are from your book only, but those questions I have not given you yesterday. Those questions which I'll be giving you on Saturday, those questions I have not given you yesterday in your question answers. Those questions you will be writing by your own as your Saturday assignment. That will be as your, those questions will be in your homework Saturday assignment. Those questions you have to write by your own in your own words, okay? In your fair copy only. Now don't ask in which copy again. It's given already in the book. You will find out by your own and you will write the answer in your own words in the fair copy. Okay? So now, today we will be starting our next chapter, that is physical and chemical changes. In Hindi medium, the chapter पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इंग्लिश मीडियम का ये एक चैप्टर है और हिंदी मीडियम का ये दो चैप्टर है। जो कंटेंट इस चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में जो कंटेंट्स इसमें दिए हुए हैं, द टॉपिक्स विच आर गिवन हियर इज कंप्राइज्ड इन ओनली वन चैप्टर ऑफ साइंस इन इंग्लिश मीडियम बुक। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये एक ही चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम के बच्चों को ये बता रही हूँ मैं कि हिंदी मीडियम की बुक में ये दो चैप्टर्स में हैं, ठीक है। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं और जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नाम से चैप्टर है वो आपका अलग चैप्टर है। ये सारे टॉपिक्स आपके हिंदी मीडियम के बच्चों में इस चैप्टर में है, पदार्थ की संरचना में, और फिजिकल एंड भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दूसरा चैप्टर है जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मगर इंग्लिश मीडियम में ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नाम से ही ये चैप्टर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिस पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति प्लस करके भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन क्यों लिखी है। तो बस यही आपको बताना है कि ये आपके हिंदी मीडियम के बुक में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं और इंग्लिश मीडियम के बुक में ये एक ही चैप्टर्स में सब कुछ दिया हुआ है, ओके। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। यू हैव सीन अराउंड योर सेल्फ दैट देर आर सो मैनी थिंग्स। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके अगल बगल होंगी, मीन्स आपके बगल में टेबल होगी, चेयर होगी, अलमीरा होगा, वाटर बॉटल होगा, पानी होगा, साथ ही मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आपके रूम में देख लो इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें जो होती हैं किसी ना किसी चीज़ से ही तो मिलके बनती हैं। द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन योर रूम, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम इन योर सराउंडिंग, दो सब्सटेंसेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सम सब्सटेंस। तो द सब्सटेंसेस दैट आर नोन एज अ मैटर, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे मैटर होते हैं, जिनको कि हम अपने हाथों से छू सकते हैं, हम अपने सेंस ऑर्गन से उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो दोज आर मैटर ओनली। So what the definition says, matter is a substance that has mass and occupies space. ठीक है, even अगर आप बात करिए कि suppose ये एक मेरा स्केच पेन ही है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एक matter है, ठीक है। पदार्थ वो है, matter को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी कि एक ये जो पेन है, इट इज़ ऑल्सो अ मैटर, इट हैज़ सम मास। अगर आप ऐसे अपने हाथ में लेंगे तो भले
थोड़ा सा ही इसमें वेट होगा, थोड़ा सा ही इसमें मास होगा, मास इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस, थोड़ा सा ही वेट होगा बट उसमें वेट होगा एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. इफ़ आई कीप इट हियर इट इज़ ऑक्यूपाइंग दिस मच स्पेस. ओके दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स, दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर, दिस इज़ अ सब्सटेंस. ये भी एक तरह का सब्सटेंस है, एक मैटर है. तो वॉट द मैटर सेज कि इट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. दिस इज माई पेंसिल बॉक्स, इफ़ आई टेक दिस इन माई हैंड इट हैज़ सम वेट. इसके पास इसमें कोई वजन है, ठीक है. अगर हम इसको यहाँ पर रख दें तो ये इतना बड़ा स्पेस कवर अप कर रहा है, ठीक है. इतना बड़ा स्पेस कवर कर रहा है तो ये भी एक तरह का मैटर है. तो डेफिनेशन कहती है कि इट्स अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. वह स्थान जो वह पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है. इट्स अ वर्ड, इट्स अ पेपर, इट्स अ बॉक्स एक्सेट्रा. ये एक पेपर है जिस पे हम मैं आपको रख के पढ़ा रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर. ये इतना बड़ा एरिया कवर अप कर रहा है तो दिस इज़ अ मैटर. ओके तो जितना भी यहाँ पे हमारे आसपास चीज़ें हम देखते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं. ओके तो मैटर, तो ये जो मैटर होता है, ये जो हम अपने आसपास देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है. ये सारे के सारे किसी न किसी बेसिक एलिमेंट से मिल करके बनते हैं, ठीक है. मीन्स अगर आप बात करें आयन की, कोई लोहे का सामान अगर आपके आसपास होगा तो वो भी एक तरह का सब्सटेंस है. तो वो लोहे का सामान किससे बना होगा, लोहे से बना होगा, ठीक है. अगर आप सपोज़ बात कर रहे हैं एक प्लास्टिक की, अगर आपके घर में कमरे में एक प्लास्टिक ही रखा तो वो प्लास्टिक भी प्लास्टिक से ही तो बनता है, ठीक है. एक पॉलीथिन पॉली बैग वो भी उसी से बनता है. एक मींस कोई भी सामान, कोई भी चीज़ छोटी से लेकर के बड़ी तक, वो किसी न किसी चीज़ से ही, किसी न किसी चीज़ से बनती है, किसी न किसी पदार्थ से बनती है. और वो पदार्थ मींस जो सब्सटेंस जो बनता है एट दैट टाइम, उसको किसी केमिकल मेथड से हम उसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है. सपोज़ अगर हम बात करें लोहे का कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है. अगर सपोज़ करिए कि एक लोहे की नेल है, एक आयन नेल है, तो वो जो आयन नेल होगी वो किससे बनी होगी, वो आयन से ही तो बनी होगी. लोहे की कांटी लोहे से ही तो बनी होगी. अगर हम उसे तोड़ना चाहें बाय केमिकल मीन्स तो वो टूटेगी, नहीं टूटेगी. तो दैट लोहा, दैट आयन इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड दैट प्योर सब्सटेंस इज़ द एलिमेंट. मीन्स जितने भी मैटर हमारे आसपास होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं, और वो जो चीज़ से बनते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है. तो एलिमेंट को हम हिंदी में कहते हैं तत्व. पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है. हमारे केमिस्ट्री में, जब आप आगे पढ़ेंगे जाकर के केमिस्ट्री में, तो पूरी केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल दी गई है. अभी तो आपको उसके बारे में कोई आई थिंक इन्फॉर्मेशन नहीं है पीरियोडिक टेबल होती क्या है, बट व्हेन फर्दर व्हेन यू विल मूव टू योर हायर क्लासेस देन यू विल कम टू नो दैट देर इज़ अ पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री. एंड इन केमिस्ट्री इन द पीरियोडिक टेबल देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स. इन द पीरियोडिक टेबल, इन द आई राइट इट हेयर ओनली, इन द पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल होता है, जैसे आप लोगों को टाइम टेबल मिलता है ना, वैसे ही एक टेबल बना होता है केमिस्ट्री में, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. उसमें सारे एलिमेंट्स, केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स को ढूंढा गया है उसमें उस सारे एलिमेंट की
टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो उस पीरियोडिक टेबल में देर आर टोटल अबाउट 118 एलिमेंट्स, वहाँ पे टोटल 118 एलिमेंट्स को ढूंढा गया है, ठीक है। और उस 118 एलिमेंट्स में करीब उस 118 एलिमेंट्स में करीब 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं विच आर फाउंड इन नेचर ओनली, वो नेचर में ही मिले हैं, ठीक है। 94 एलिमेंट्स नेचर के द्वारा दिए गए हैं, बाकी जितने बचे 118 एलिमेंट्स, बाकी जितने बचे 118 माइनस 94, तो बाकी जितने बचे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स लैबोरेटरीज में साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, ओके। तो बाकी कितने बचे 118 माइनस 94, तो देर आर 24 एलिमेंट्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, दे आर गिवन बाय नेचर एंड दोज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी, ओके। सो दीज आर द देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स, द 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल whereas 24 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी, ठीक है। अभी हम इतना ही फ़िलहाल समझते हैं कि जितने भी चीज़ें हमारे आसपास मिलती हैं हमको, दैट इज़ अ मैटर, वो एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब मैटर उसे कहते हैं जो चीज़ स्थान घेरती है, जिसमें वेट होता है एंड विच कैन बी सेंस विद आर सेंस ऑर्गन्स। देन टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट, एलिमेंट पदार्थ का वो प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब मैटर जिस चीज़ का बना होता है वो एलिमेंट का बना होता है। जो भी चीज़ का मैटर बना होता है वो एक प्योर सब्सटेंस का बना होता है, प्योर सब्सटेंस यानी कि एक एलिमेंट का बना होता है, ठीक है। अगर हम उसको एक सिंपल सी अलमीरा की बात करें तो अलमीरा भी आपकी वुड की अलमीरा भी हो सकती है, आयरन की अलमीरा भी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक प्योर सब्सटेंस के मिल करके बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो एक प्योर एलिमेंट होती हैं। एंड इन केमिस्ट्री देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स फाउंड, पूरी केमिस्ट्री में देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स फाउंड, आउट ऑफ दिस 118 94 आर नेचुरल whereas 24 आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी, ओके। टुमारो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द एटम, सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस दीज टू बेसिक थिंग्स। टुमारो अगेन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।